दक्षिण राज्य केरल में तबाही मचाने के बाद अब भारी बारिश एक बार फिर उत्तर भारत में हाहाकार मचा रही है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक हर जगह पानी ही पानी है। उत्तराखंड में जहां सैलाब का सितम है, तो वहीं यूपी में यह बारिश जानलेवा साबित हो रही है। पिछले 48 घंटों में प्रदेश में कई लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली NCR में भी भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। खूबसूरत नजारे के लिए जाना जाने वाला मसूरी का यह झरना है कैंपटी फॉल, जो भारी बारिश के बाद भयावह रूप ले चुका है। मूसलाधार बारिश के चलते कैंपटी फॉल में आए सैलाब ने रविवार को यहां हड़कंप मचा दिया था। अचानक आए सैलाब में कई पर्यटक फंस गए, जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय कारोबारियों के साथ मिलकर उनका रेस्क्यू किया। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर अब मसूरी प्रशासन ने कैंपटी फॉल के रास्ते को बंद कर दिया है। वैसे न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश में ये बारिश जमकर कहर मचा रही है। प्रदेश में बारिश की वजह से पिछले कुछ दिनों में 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 अन्य लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि वज्रपात और बारिश के कारण मकान गिरने की वजह से करीब 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इनमें शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली NCR में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ टीकमगढ़ और दमोह जिले में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग की माने तो ये बारिश अभी कुछ दिन और सताने वाली है। DB Live की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।